Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. आज का हमारा टॉपिक है दाह रोग, जो कि रोग निदान का एक चैप्टर। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोग निदान का दाह रोग। इसमें हम पढ़ेंगे दाह का इंट्रोडक्शन, निदान, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, लक्षण, वर्गीकरण और साध्य साध्यता। दोस्तों, वीडियो में यूज होने वाली कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो चलो देखते हैं। आई का मतलब है इंट्रोडक्शन, एन का मतलब है निदान, एस सी का मतलब है संप्राप्ति चक्र और एस जी का मतलब है संप्राप्ति घटक, डी से मतलब है दोष, एस ए एस से मतलब साध्य साध्यता, अ दू से मतलब है अग्निदुष्टि, उप से मतलब उपद्रव, ए डी का अर्थ है अधिष्ठान, एस डब्ल्यू बी स्वभाव और वी आर जी का अर्थ है वर्गीकरण। सो चलिए शुरू करते हैं दाह रोग। दाह रोग एक पित्तप्रधान व्याधि है। इसे मॉडर्न में हम बर्निंग सिंड्रोम से कोरिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका सर्वप्रथम वर्णन माधव निदान में हुआ है। दाह का व्याधि परिचय या इंट्रोडक्शन। आचार्य चरक के अनुसार कफ क्षय की स्थिति में प्रकोपित वात प्राकृत पित्त को जिस स्थान पर भी लेके जाता है, वहां पर पित्त के भेद, दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसे ही आशय अपकर्ष कहते हैं। दाह का संप्राप्ति चक्र दो तरीके से चलता है और वातिक दाह का निदान आशापकर्ष ही है। आशापकर्ष को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि शरीर में कफ क्षीण है और दो जगह हैं ए और बी। ए स्थान पर वात प्रकोपित है परंतु पित्त अपनी प्राकृत अवस्था में है, सम अवस्था में है, परंतु ए स्थान पर वात के चल गुण के चलते हुए वह पित्त को लेकर बी स्थान तक जाता है। अब बी स्थान पे पित्त एक्स्ट्रा पित्त आने की वजह से पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त प्रकोपित होता है तो वहां पित्त के भेद, दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसे ही हम आशापकर्ष भी बोल देते हैं। इसी चीज को मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है कि कफ क्षीण रहता है, वात बढ़ा हुआ रहता है पर पित्त साम अवस्था में रहता है और ये ब्रैकेट में सी है, इसका मतलब है चरक मतानुसार। अब जब वात पित्त को लेकर किसी स्थान पर जाता है तो वहां पे कफ तो क्षीण ही है पर पित्त बढ़ जाता है, इससे वहां दाह उत्पन्न होता है। अब हम देख लेते हैं दाह के निदान। पहला है उष्ण तीक्ष्ण मद्यपान। तो अगर हम मद्यपान करते हैं तो उससे पित्त प्रकोपित होता है एंड उससे दाह उत्पन्न होगी। दूसरा है पित्तज आहार विहार, इससे भी दाह उत्पन्न होती है। तीसरा है तृष्णा, जब बार बार पानी पीने से भी प्यास न बुझे तो इसको हम तृष्णा रोग से प्रदर्शित करते हैं एंड इससे भी दाह उत्पन्न हो सकती है। फोर्थ है वेग अवरोध, अगर हम अधारणीय वेग को जो चरक सूत्र 7 में दिए हुए हैं उनको रोकते हैं तो इससे भी पित्त प्रकोपित होता है और दाह उत्पन्न होती है। फिफ्थ है असरक पूर्ण कोष्ठता, इसका मतलब है इंटरनल हेमरेज अगर है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो इससे भी दाह उत्पन्न हो सकती है। सिक्स धातु के क्षय होने से। सेवेंथ इज क्षत, मतलब जख्म होना या घाव होना, किसी घाव से भी दाह उत्पन्न होती है। जैसे एर्थ है मर्माभिघातज, अगर मर्म पे भी चोट लग जाए तो दाह उत्पन्न हो सकती है और आशापकर्ष से भी दाह उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है दाह का संप्राप्ति चक्र। जब हम लेफ्ट साइड में दिए हुए निदानों का अति सेवन करते हैं तो दाह की उत्पत्ति दो तरीके से हो सकती है। वातिक दाह के केस में कफ क्षय और वात प्रकोपित हो जाता है, उससे प्रकोपित वात द्वारा जो प्राकृत पित्त है उसका शरीर में संचरण होता है और उससे ही दाह की उत्पत्ति होती है एंड ऐसे दाह को हम वातिक दाह बोलते हैं। यही एक एग्जाम्पल है आशापकर्ष का। ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम पित्त प्रकोपक निदान सेवन करते हैं तो प्रकोपित पित्त द्वारा वात के साथ मिलकर उस स्थान पर दाह उत्पत्ति होती है और इसे ही हम पैतिक दाह बोलते हैं। सो दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं दाह का संप्राप्ति घटक, वर्गीकरण, लक्षण और साध्य असाध्यता। दाह का संप्राप्ति घटक, दोष है पित्त प्रधान वात, स्रोतस है रक्त वह स्रोतस, स्रोतोदुष्टि प्रकार है मार्गमन, जब पित्त अपने मार्ग से गमन करके कहीं और स्थान पर जाके दाह की उत्पत्ति करता है। साध्य साध्यता है कि यह साध्य व्याधि है। दुष्य है रसधातु, इसका अधिष्ठान है त्वक या स्नायु और स्वभाव है आशुकारी। आशुकारी का मतलब तीव्र अपना लक्षण दिखाने वाला। नेक्स्ट है दाह के लक्षण। दाह के सामान्य लक्षण होते हैं, पहला करतल या पाद दाह। करतल का अर्थ है प्लांटर सरफेस ऑफ हैंड और पादतल का अर्थ है प्लांटर सरफेस ऑफ फुट, मतलब कि जिस सरफेस से हम ताली बजाते हैं या पैरों से चलते हैं वहां पे अगर जलन होने लग जाए, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाए तो ये लक्षण होता है कि दाह रोग है। दूसरा है संपूर्ण शरीर में दाह की अनुभूति होना, पूरे शरीर में ऐसा लगना कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, दाह
का अनुभव हो रहा है, ये भी सामान्य लक्षण में ही आता है। नेक्स्ट है दाह का वर्गीकरण। पहला है मध्यज दाह। अब मध्यज दाह क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एल्कोहलिक पेरिफ्रल न्यूराइटिस। एल्कोहल पीने की वजह से जब पेरिफ्रल न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको मध्यज दाह से हम रिलेट कर सकते हैं। इसके लक्षण हम ये बोल सकते हैं कि अगर विधिपूर्वक मद्यपान न करने से ऊष्मा पित्त तथा रक्त से मिलकर त्वचा में भयंकर दाह पैदा करे तो इसे हम मध्यज दाह कह सकते हैं। दूसरा है रक्तज दाह। रक्तज दाह को हम मॉडर्न से बर्निंग सिंड्रोम ऑफ हाइपर पायरेक्सिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और हाइपर टेंशन से रिलेट कर सकते हैं। हाइपर पायरेक्सिया है तो भी दाह उत्पन्न होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है या हाइपर टेंशन है तो भी रक्तज दाह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेदा मतानुसार रक्तदाह के लक्षण हैं कि तृष्णा, रक्त वर्ण का शरीर होना, पूरा रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी। तृष्णा का मतलब होता है पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। रक्त नेत्रता मतलब रेड कलर्ड आईज। और लो गंधयुक्त मुख व शरीर होना, मतलब ऐसा लगेगा कि आयरन स्मेल जैसा लगेगा, जो चेहरा है और शरीर है उसमें आयरन की स्मेल आएगी। फिफ्थ है स्वयं को अग्नि से व्याप्त देखना, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर में आग लग रही है। थर्ड है पैतृक दाह। पैतृक दाह को हम मॉडर्न में बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू पायरेक्सिया से रिलेट कर सकते हैं। पायरेक्सिया का अर्थ होता है फीवर, तो फीवर से जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो पैतृक दाह से रिलेट कर सकते हैं हम उसे। आयुर्वेद मतानुसार पैतृक दाह के लक्षण पित्त ज्वर के समान होते हैं। फोर्थ है तृष्णा निरोधक दाह। तृष्णा निरोधक दाह को हम मॉडर्न में डिहाइड्रेशन से रिलेट कर सकते हैं। और आयुर्वेद मतानुसार इसके लक्षण होते हैं कि जब तृष्णा वेग के निरोध से प्रकोपित पित्त बाह्य या आभ्यंतर अवयवों में दाह उत्पन्न करते तो इसे हम तृष्णा निरोधक दाह बोलते हैं। मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा तृष्णा आ रहा है, तृष्णा वेग आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और तब भी हम पानी ना पिए, हमारी जो प्यास है वो ना बुझाएं, तो जो प्रकोपित पित्त है वो बाह्य और आभ्यंतर, एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स में बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि गला, तालू और ओष्ठ की शुष्कता हो जाती है, मतलब ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, पैलेट एंड लिप्स। सेकेंड है मूर्छा हो जाती है, फेंटिंग हो जाती है एकदम से। और थर्ड है जीवा निर्गमन तथा जीवा कंपन, मतलब कि जो हमारी जीभ है, जो टंग है, उसमें सेंसेशन आने लगता है, कंपन होने लगता है। फिफ्थ है रक्तपूर्ण कोष्ठज या फिर असरक्तपूर्ण कोष्ठज। इसको हम मॉडर्न में पेरिफ्रल न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय इंटरनल हैमरेज या लोकल ब्लड कंजेशन से रिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेदा मतानुसार असरक्तपूर्ण कोष्ठज दाह के लक्षण होते हैं कि आभ्यंतर रक्तस्राव से उत्पन्न दाह होता है और यह अत्यंत कष्ट साध्य होता है। अब जब मॉडर्न से अगर हम रिलेट करें तो इसमें अगर इंटरनल हैमरेज हो रहा है, ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो गई हैं, तो वहाँ पे जो पेरिफ्रल बर्निंग सेंसेशन होगा न्यूरोपैथी की वजह से, उसे हम रक्तपूर्ण कोष्ठज दाह से रिलेट कर सकते हैं। सिक्स्थ है धातु क्षयज दाह। इसको हम मॉडर्न में बर्निंग सिंड्रोम ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से रिलेट कर सकते हैं। और आयुर्वेदा मतानुसार धातु क्षयज दाह के लक्षण होते हैं तृष्णा, मूर्छा, क्षीण स्वर, क्रियाहीनता और सकष्ट दाह। तृष्णा का मतलब है पॉलीडिप्सिया, मूर्छा का मतलब है फेंटिंग, क्षीण स्वर का मतलब है डिमिनिश्ड वॉइस, मतलब कम स्वर, क्रियाहीनता का मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन, सकष्ट दाह का मतलब है पेनफुल बर्निंग सेंसेशन। सेवेंथ इज क्षतज दाह। इसको हम मॉडर्न में पेरिफ्रल न्यूरोपैथी ऑफ एनीमिया या हेमरेज टीबी से रिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेदा मतानुसार क्षतज दाह के लक्षण होते हैं अंतर्दाह मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, तृष्णा मतलब पॉलीडिप्सिया, मूर्छा मतलब फेंटिंग, प्रलाप मतलब डेलिरियम। डेलिरियम एक स्टेट होती है कि अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, मेंटल स्टेट होती है वो, एंड इस चीज़ को हम डेलिरियम बोलते हैं। एट है मर्म अभिघातज दाह। इसको हम बर्निंग सिंड्रोम ऑफ ट्रोमेटिक ओरिजन एंड शॉक से रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में। और आयुर्वेदा मतानुसार इसके लक्षण होते हैं शीतगात्रता मतलब कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, अवसाद मतलब डिप्रेशन, तीव्र अंतर्दाह मतलब इंटेंस इंटरनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दाह रोग की साध्य साध्यता क्या है। दाह जिसमें शरीर बाहर से शीत होने पर भी भीतर दाह का अनुभव हो तो वह दाह असाध्य हो जाता है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है पर फिर भी अंदर ऐसा लग रहा है कि जलन हो रही है, दाह हो रहा है, दाह का अनुभव हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो वह जो दाह होता है असाध्य होता है। और जो मर्म अभिघातज दाह है वह भी असाध्य होता है। तो दोस्तों ये था दाह रोग। यह एक उदकवय स्रोतस की व्याधि है और अगर आपको उदकवय स्रोतस पे वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं एंड वहाँ देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
for watching. Do like, share and subscribe if you found it knowledgeable. And this chapter ke ready to read notes available hai Instagram page pe, jiska link given hai description box mein.